जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे IPO पर। जी हाँ दोस्तों, हम दो IPO पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड अगर देखा जाए तो 2021 में अभी तक हमको चार IPO आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से एक IPO तो दो IPO बंद हो चुके हैं, मतलब उनका जो IPO ओपन था वो क्लोज हो चुके हैं। एंड तीसरा IPO चल रहा है, एंड चौथा IPO जो है वो मंडे को ओपन होगा दोस्तों। सो बहुत ही अच्छी बात है, जो चारों IPO चारों ही अच्छे IPO हमें देखने को मिले हैं। लेकिन जो IRFC का IPO था वो, उसकी बात अगर करें तो वहाँ पे हमको ज़्यादा जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। सो उसके अलावा देखा जाए तो बाकी सभी IPO ने अच्छा ही परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रही हैं। एंड हम जिस IPO पर बात करने वाले हैं उसमें पहला IPO जो है वो है इंडिगो पेंट, एंड दूसरा है जो मंडे को जिसका IPO ओपन होगा उसका नाम है स्टॉप क्राफ्ट IPO दोस्तों। सो इस दोनों IPO पर ही हम बात करेंगे। एंड जो बड़ी खबर इन दोनों को IPO के बारे में आ रही है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इंडिगो पेंट की बात करेंगे, क्योंकि इनका जो IPO है वो क्लोज हो चुका है, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगा। क्योंकि इनका ओपन डेट आप देख सकते हैं कि 20 जनवरी ओपन डेट था, एंड क्लोज डेट की बात करें तो 22 जनवरी आपको देखने को मिल रहा है। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो आपको 28 तारीख को मालूम चल जाएगा कि मतलब जिन जिनको अलॉटमेंट हुआ है उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड 29 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को ये IPO नहीं मिलेगा उन लोगों को रिफंड, उनका पैसा जो है रिफंड मिल जाएगा। एंड 1 फरवरी की बात करें तो ये आपके डीमेट अकाउंट में जिन लोगों को भी इनका IPO अलाउट हुआ होगा उन लोगों के डीमेट अकाउंट में इनका जो शेयर्स है वो शो करेंगे। एंड 2 तारीख को इनका IPO का लिस्टिंग डेट है। एंड आपको मैं बता दूं कि 1 फरवरी को बजट आने वाला है। सो यहाँ पे आपको देखना है कि बजट अगर अच्छा रहा, मार्केट के हिसाब से अगर ठीक रहा बजट, तो आपको बहुत इस IPO में भी और भी प्रॉफिट देखने को मिलेगी। सो जो हमारी न्यूज़ है अब वो सीधा उस पर चलते हैं, इस इंडिगो पेंट पे जो हमारी न्यूज़ है सीधा हम वहीं पर चलते। सो इंडिगो पेंट से रिलेटेड जो सबसे बड़ी खबर पहली है वो पहली ये मतलब ये पहली खबर है, इसमें दो खबर मैं आपको दूंगा। जो पहली खबर है वो 116 टाइम्स बार ये IPO सब्सक्राइब अधिक हुआ है। एंड दूसरी खबर आपको मैं बता देता हूँ कि इनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो स्ट्रांग आपको देखने को मिल रहा है, जबकि आप ये देखेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी में आपको कम मतलब गिरावट देखने को मिल रही है। सो ये अच्छी बात है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये IPO जो है 116 टाइम्स अधिक बार सब्सक्राइब हुआ है। एंड अगर इस IPO के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर है बिड फॉर 64 करोड़ इक्विटी शेयर अगेंस्ट 55.18 इक्विटी शेयर्स। सो ये बहुत ही हमको अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर आप अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो दूसरी खबर है उसके बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा है, द IPO क्लोज टुडे एंड एक्सपेक्टेड टू बी लिस्टेड जस्ट अ डे आफ्टर अ यूनियन बजट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिगो पेंट का जो IPO है वो 2 तारीख को लिस्टिंग होगा, जबकि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी का बजट आने वाला है। तो जस्ट उसके अगले ही दिन ये IPO आपको लिस्टेड देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को जो निफ्टी क्लोज हुआ था वहाँ पर आप देख सकते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स क्लोज हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 दिन से लगातार आपको उसमें गिरावट देखने को भी मिल रही है। वहीं अगर इंडिगो पेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमांडिंग मोड पे देखने को मिल रहा है, इनिंग का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। सो फ्राइडे की बात करें तो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो इंडिगो पेंट के मतलब आपको देखने को मिला जो 850 रुपये पर शेयर देखने को मिल रही है। एंड आपको मैं बता देता हूँ इस IPO को लेकर के जो लिस्टिंग बताई जा रही है उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस IPO को जब लिस्ट होने के मतलब 2 तारीख को जब लिस्ट होगा तो वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है वो वहाँ पे 20-25% तक आपको तेजी देखने को मिल रही है। ये जो बातें हो रही है वो आप देख सकते हैं कि जो विशाल बाग जी हैं हेड ऑफ रिसर्च बोनांजा पोर्टफोलियो के, इन्होंने ये बातें बोली हैं। सो इंडिगो पेंट से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छी खबर हमको देखने को मिल रही है। एंड 20-25% तक का हमको मुनाफा भी देखने को मिल रहा है अभी के हिसाब से अगर बात करें तो, विशाल वाक के बातों के द्वारा, मतलब इन्होंने ये लोग बड़े बड़े रिसर्चर होते हैं जो अपना रिसर्च बहुत ही स्ट्रांगली करते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 20-25% भी कम नहीं होता है, एंड उस समय क्या होगा ये तो किसी को नहीं मालूम है। एंड अगर देखा जाए तो 20 जो इनका
बिजनेस भी है वो भी बहुत ही अच्छा बिजनेस हमको देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों अगर आप इंडिगो पेंट्स का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं, एंड उसमें मैंने पूरी डिटेल्स में इस आईपीओ से रिलेटेड पूरी डिटेल जानकारी आपको दी है। तो यहाँ पर हम नॉर्मली केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको यहाँ पर खबर देने आए थे, ग्रे मार्केट प्रीमियम और इसका जो लिस्टिंग एक्सेप्टेशन है उसके बारे में हम आपको बताने आए थे। सो अब चलते हैं हमारे दूसरे न्यूज़ पर, एंड उसको भी आपको बता देते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर ज़्यादा बातें करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो हमारी जो दूसरी आईपीओ है वो है स्टॉप क्राफ्ट आईपीओ। ये किचन का मास्टर है, सभी आप बोल सकते हैं 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट ये बनाती है, 600 से ज़्यादा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाती है जो सभी किचन से रिलेटेड है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। एक एंड आपके बाद इसकी बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट मतलब किचन के मामले में प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी आपको देखने को मिलती है। सो इस आईपीओ की बात करें तो ये 25 जनवरी यानी सोमवार को ओपन होगा परसों, एंड 28 तारीख को इसका आईपीओ क्लोज हो जाएगा। एंड अलॉटमेंट की बात करें तो ये देख सकते हैं कि बजट के जस्ट अगले दिन 2 फरवरी को इनका अलॉटमेंट आपको होगा। एंड जिन लोगों को जो आईपीओ मिला नहीं होगा उनको पैसा रिफंड 3 फरवरी को हो जाएगा, एंड 4 तारीख को उन सभी लोगों के अकाउंट में उनके डीमेट अकाउंट में इनके आईपीओ के शेयर्स आ जाएंगे जिनको ये आईपीओ अलॉट हुआ रहेगा। एंड 5 तारीख को इनका लिस्टिंग डेट है जो कि अच्छी बात है क्योंकि बजट की बात करें तो बजट से 4 दिन के बाद इनका लिस्टिंग डेट है, तो अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो वहाँ उस समय तक जो हमारा बजट वो सुधरने का भी चांसेस रहता है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं अपने न्यूज पर। सो दोस्तों यहाँ पर हम अपने स्टॉप क्राफ्ट के न्यूज पर आ गए हैं। तो एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम है इनका भी अभी जंप करके 26% तक अधिक मुनाफा प्रेजेंट टाइम में अगर ये लिस्ट होता है तो 26% अधिक मुनाफा आपको दे सकती है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड मैंने पहले ही बोला था कि ये आईपीओ आपको प्रॉफिट दे के जाएगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इनका आईपीओ है वो 384 से 385 रुपये का आईपीओ इन्होंने लाया है, एंड अभी का अगर ये लिस्ट होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 412 रुपये 62 पैसे पर ये लिस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको ओवरऑल 26% का मुनाफा अभी भी ये कंपनी दे करके जा रही है। एंड अगर इनके बिजनेस की बात करें तो इनका बिजनेस भी मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत ही अच्छी बिजनेस है। एंड अगर आप इस आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरी डिटेल्स इसके बारे में आपको बताई है, एंड वहाँ पर आपको बहुत फायदा हो सकता है। एंड मैंने उसमें यह भी बताया कि आईपीओ को आपको लिस्टिंग के समय प्रॉफिट देगा या नहीं। एंड अभी भी मैं बता देता हूं कि यह आईपीओ एंड इंडिगो पेंट ये दोनों आईपीओ चाहे जब लिस्ट होंगे जब भी मतलब अपनी लिस्टिंग डेट के ही दिन तो ये दोनों आईपीओ आपको जरूर से प्रॉफिट देंगी, ये तो मेरा मानना है, मेरा अपना मानना है। इसको आप रिकमेंडेशन के रूप में ना लें, ये वीडियो मैं एजुकेशन पर्पज से ही बना रहा हूँ। सो अगर आप इन दोनों आईपीओ में इन्वेस्ट किए हैं तो बहुत ही आप अच्छी बात है। तो एक आईपीओ मतलब इन्वेस्ट कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, एंड एक आईपीओ जो है मंडे को ओपन होगा तो ये दोनों आईपीओ आपको जरूर से पैसा दे करके ही जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। एंड बात करें तो इनके बिजनेस की इन दोनों आईपीओ को जो इंडिगो पेंट्स एंड स्टॉप क्राफ्ट ये दोनों का बिजनेस आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। इन दोनों का बिजनेस जो ऐसे बिजनेस है दोस्तों कि मैं बता दूं कि अगर इनका आईपीओ मान लीजिए मार्केट में कुछ ऊंच नीच हो जा रहा है, जैसे 2 दिनों से अभी देखा जाए तो मार्केट अभी आपको मान लीजिए ये चार्ट पैटर्न है तो यहाँ पे मार्केट जो है डाउन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। सो अगर ये मार्केट मान लीजिए डाउन होता जा रहा है अगर इनके आईपीओ के लिस्टिंग डेट तक भी तो उसके बाद भी इन दोनों ही आईपीओ में मतलब इन दोनों ही कंपनी में इतना दम है कि ये दोनों आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो एंड मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।